हराजा अटी हमीर धरती से प्रसिद्ध सावे माधोपुर में कहा जाता है कि जिस पार्टी का या से विधायक होता है उसी की सरकार या बनती है। सावे माधोपुर विधानसभा राजस्थान की ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ का विधायक अगला चुनाव नहीं जीत पाता। सावे माधोपुर विधानसभा सीट से वर्तमान में कांग्रेस के दानिश अब्रार यहाँ से विधायक है और उन्होंने साल 2018 में बीजेपी की आसमाना करीब 25,000 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया था। यह राजस्थान की ऐसी सीट है जहाँ पर जाति सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। सावे माधोपुर सीट पर सबसे अधिक अवधि मीणा वोटरों की है और राज्य के बड़े नेता डॉक्टर करोड़लाल मीणा का इस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव भी है। सावे माधोपुर विधानसभा सीट सामान्य वर्ग की सीट है और सावे माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 60,000 मीणा मतदाता है। इसके अलावा यह 40,000 मुस्लिम, 20,000 गुजर और 40,000 SC मतदाता है। इसके अलावा 25,000 महाजन और 25,000 ब्राह्मण भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जिले में मुख्य रूप से मीणा, मुस्लिम, SC और गुजर वोटों का दबदबा है। इसके अलावा यहाँ से ब्राह्मण बनिया समाज के मतदाता भी चुनाव को प्रभावित करते हैं। माली राजपूत समाज के वोटर्स भी चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। सवाई माधोपुर सीट से इस बार भाजपा ने करोड़लाल मीणा को टिकट दिया, वहीं कांग्रेस ने वर्तमान जो विधायक है दानिश अब्रार को फिर से मैदान में उतारा है। इसके अलावा भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज आसिम मीणा ने निर्दलीय से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और नामांकन भी दाखिल किए है। यह भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है क्योंकि सावे माधोपुर में मीणा जाति किसी प्रत्याशी के लिए चुनाव जीतने में अहम साबित होती है और आसिम मीणा के निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने से मीणा समाज या दो हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आसिम मीणा की रैलियों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि मीणा समाज इस बार दो हिस्सों में बट गया है और यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो इससे कांग्रेस के उम्मीदवार दानिश अब्रार को सीधे तौर पर फायदा हो सकता है। दरअसल साल 2018 के विधानसभा चुनाव में सावे माधोपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के दानिश अब्रार ने जीत दर्ज की थी और दानिश करीब 25,000 वोट मिले थे और बीजेपी के आसिम मीणा को 60,000 और 25,000 के बड़े मार्जिन से आसिम मीणा को दानिश अब्रार ने शिकस्त दी थी। वही बात 2013 करें तो यहाँ से बीजेपी की दिया कुमारी 70,000 वोट मिले थे, वही करोड़लाल मीणा करीब 7,500 वोटों के अंतर से हराया था। सावे माधोपुर जिले के सियासी समीकरण की तो यह क्षेत्रीय विधायक कार्यशैली को देखते हुए एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरह से हावी है।